हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे ओरिफ्लेम बिजनेस प्लान शेयर करना चाहती हूँ। ओरिफ्लेम बिजनेस है क्या? ओरिफ्लेम एक ब्यूटी ब्रांड कंपनी है जो आपको मौका देती है इनकम जनरेट करने का, अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करने का, और आपको ये एक नई पहचान देता है। तो इसका स्टेप होता क्या है? फर्स्ट हमारा स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। तो हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? रजिस्ट्रेशन हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए हमें कोई भी पैसों की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आपने कोई भी अपना KYC डॉक्यूमेंट लगा देना है। जो आप नंबर डालेंगे उस नंबर पे आपको लिंक आती है मेंबर आईडी की, तो वहाँ पे आपने अपनी मेंबर आईडी बना लेनी है। तो उसके बाद आप ब्रांड पार्टनर कंपनी के बन जाते हैं, जो आपको 20% ऑफ हर प्रोडक्ट पे देता है। इसी के साथ साथ आप खुद का बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप इसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स भी पाएंगे। तो उसके बाद मेंबर आईडी के बाद हमें पहले करना क्या पड़ता है? तो हमें पहले अपनी आईडी को एक्टिवेशन कराना पड़ता है, मतलब एक्टिव कराना पड़ता है। तो हम एक्टिव कैसे कराएंगे? बाय योर फर्स्ट ऑर्डर प्लेस्ड। तो यहाँ पर हम अपनी एक्टिवेशन करवाएंगे अपने फर्स्ट ऑर्डर से। तो हमें कोई भी अपना फर्स्ट ऑर्डर ले लेना है, जो भी आपका बजट हो, जितना आपका बजट हो, आप कितना भी मतलब आप बाय कर सकते हैं, कोई आप पर प्रेशर नहीं है। आफ्टर योर फर्स्ट ऑर्डर यू विल गेट BP। तो जब आप अपना फर्स्ट ऑर्डर लगाते हैं तो यू विल गेट BP। तो आपको उसके बदले क्या मिलता है? BP। तो ये BP होता क्या है? BP होता है बिजनेस पॉइंट्स, मींस मतलब बोनस पॉइंट्स। तो आपको हर प्रोडक्ट पे यहाँ पे BP मिलते हैं, जो आपके इन सिंपल लैंग्वेज जो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं इनकम में। तो जैसे आप BP आपने अर्न करे तो वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे इनकम में। इसी तरह से आप यहाँ पे इनकम जनरेट करते हैं, अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो हमें इन BP का कैसे हमें अर्न करने हैं, हमें लेवल्स होती हैं, इनकम क्या होती है, टाइटल, हमें यहाँ पे टाइटल मिलता है लेवल्स के साथ साथ, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना है। आपने चाहे आप 25 BP से स्टार्ट करें, आप 50 BP से स्टार्ट करें, आप 100 BP से स्टार्ट करें, कोई आप पे प्रेशर नहीं है। जितना आपका बजट है आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी आप जान लें कि कितने BP पे आप कौन सी लेवल पे पहुंचेंगे, और कौन सी लेवल से आपकी कितनी इनकम आएगी, और कितनी इनकम से आप कौन सी पोस्ट पर जाएंगे। तो जब आपके अर्न हो जाते हैं 200 BP तो आपकी लेवल हो जाती है 3%। 3% से आपको कितना मिलता है? 100 to 500, और आपका पोस्ट क्या हो जाता है? कंसल्टेंट का। ओके, तो इसी तरह से हमारे BP बढ़ते रहते हैं, इसी तरह से हमारी लेवल्स बढ़ती रहती है, इसी तरह से हमारी इनकम बढ़ती रहती है, आप देख लीजिए, और इसी तरह से हमारी पोस्ट बढ़ती रहती है। तो ये हमारी 3% तक हमारी कंसल्टेंट की ही लेवल होती है। उसके बाद जब हम 12% पे पहुंचते हैं तो हमारी इनकम 5,000 to 7,000 पहुंच जाती है, और हम क्या बन जाते हैं, हमारी पोस्ट क्या हो जाती है? मैनेजर। ओके, इसी तरह से हमारी 18% तक हम मैनेजर ही रहते हैं, और 15,000 to 20,000 हमारी इनकम रहती है। इसी के बाद जब हम अपने पॉइंट्स कर लेते हैं 10,000, तो हमारी लेवल क्या हो जाती है? 22%, और हमारी इनकम आने लगती है 25,000 to 35,000, और हम कौन सी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं? सीनियर की। ओके, और सीनियर में जब हम बन जाते हैं तो यहाँ पे हमारा ड्रीम प्रोग्राम में हमारी एंट्री हो जाती है, हाँ, हमें बोनस मिलने लगते हैं, हम एलिजिबल हो जाते हैं ट्रिप्स के लिए, नई नई बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है। तो सबसे पहले हम ये देखना है कि हमें 200 पॉइंट्स करने कैसे हैं, हमें क्या करना है, हमें 3% लेवल पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना है। सो, बात आती है हाउ टू अचीव लेवल्स। तो हम 3% लेवल पे कैसे अचीव कर सकते हैं, हमारा स्टेप क्या होता है? देखिए, ये आप है, ये आपने एक बंदा लगा लिया, ये आपने दूसरा बंदा लगा लिया, ये ए है, ये बी है, एंड ये आप है। आपने 100 पॉइंट्स कर लिए, ठीक है, उसने 50 BP कर लिए, उसने बी ने 50 BP कर लिए, यू आपका 100 है, ये 50 है, ये 50 है, आप इसको कैलकुलेशन करके प्लस करिए कितना पॉइंट आया, 200 BP। आप जब 200 BP आपने अर्न कर लिए तो आप कौन सी लेवल पे अचीव हुए? 3%। तो आपकी 3% लेवल अचीव हो जाती है।
ओके। इसी तरह आपने 6% पे जाना है। 6% भी आपने कैसे अचीव करनी है, देखिए ये आप है, आपने 100 बीपी कर लिया, जो आपने ए लगाया था और जो आपने बी लगाया था उसने खुद ने भी अपने बंदे लगा लिए। ए ने 1 लगाया, ए ने 2 लगाया, ए बी ने 1 लगाया, बी ने 2 लगाया, उसके नीचे भी 3, 4 और बी का भी 3, 4 ऐसे लगा लिए, तो यहाँ पे 5 बंदे आ गए, यहाँ पे भी 5 बंदे आ गए। तो ए के 50 = 5 में हम करेंगे 250। इसी तरह से बी का है 50 × 5 करेंगे 250 BP, तो 250 BP इसने अर्न कर लिए, 250 BP इसने अर्न कर लिए। ये आप हैं, आपने 100 किए, ए ने 250 करा, बी ने 250 करा, तो आपके कितने पॉइंट्स हो गए, 600 BP, और आपकी लेवल कौन सी अचीव हुई, 6%। ठीक है, इसी तरह से आपका जो भी आपने लेवल अचीव करनी है, ये आप हैं, आपने इसको जोड़ा, आपने उसको जोड़ा, उसने इसको जोड़ा, इसने इसको जोड़ा, इसने इसको जोड़ा, इसने इसको, 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 तो इसी तरह से आपकी लेवल बढ़ती चली जाएंगी। तो ये लेवल्स बढ़ाने के लिए आपने करना क्या है, एक नेम लिस्ट बनाइए अपने दोस्तों की, अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स की, अपने ऑफलाइन फ्रेंड्स की। आपने लिस्ट बना ली है, आपने रिश्तेदारों की बना ली है, आपने आपके नेबर की बना ली है, जितने भी जो भी आपके माइंड में नाम आए आपने उनकी सबकी लिस्ट बना लेनी है और उनसे अपना बिजनेस शेयर कर लीजिए। ठीक है, आप शेयर करेंगे, बहुत से लोग आपको यस बोलेंगे, बहुत से आपको नो बोलेंगे। यस सुनकर आपको खुशी होगी, लेकिन नो सुनकर आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, क्योंकि उन्होंने नो आपको नहीं बोला है, उन्होंने नो खुद को बोला है, खुद की सक्सेस को बोला है, खुद की अपॉर्चुनिटी को बोला है। देखिए, मान ली फॉर एग्जांपल, वो बंदा नो बोलने वाला, उसके पास उसकी अपॉर्चुनिटी गई कि मालिक क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उसने क्या बोला, नहीं बे, नहीं आप नहीं आ सकते, और गेट आउट, उसने दरवाजा अपनी सक्सेस का बंद कर दिया, अपनी अपॉर्चुनिटी का बंद कर दिया। तो आप देखिए उसने नो किसको बोला, आपको या अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी सक्सेस को बोला। ठीक है, आपको जरा भी माइंड नहीं करना है, आप भूल जाएं, आपका वही बंदा नहीं है, आप आगे ध्यान दें, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, आपने ऐसे ही अपना काम करना है। और आप देखिए आप खुद क्या हैं, आप कोयले में से निकला हीरा है, आपने देखे आपने अपने आप को क्या बनाना है, कोयला बनाना है, हीरा बनाना है, आपको ऐसे ही अपने बंदे चूज करने हैं, आपको मेहनत करनी है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, यकीन रखना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इसी तरह अपना 100% दीजिए, हार्डवर्क कीजिए, हार्डवर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क करना सीखिए, इसी तरह आप अपना काम कीजिए लगन के साथ, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सक्सेस होंगे। विश यू ऑल द वेरी गुड लक एंड थैंक यू।